हाई कोर्ट ने 6 महीने तक रिटर्न दाखिल करने में फेल रहने के आधार पर रद्द किए गए जीएसटी रजिस्ट्रेशन को रीस्टोर करने का ऑर्डर दिया है। अपील अभी के मुद्दे पर पास ऑर्डर्स के अगेंस्ट में दायर नहीं की गई थी। नमस्कार, मैं हूं साक्षी सिंह और स्वागत करती हूं आप सबका हमारे चैनल जीएसटी सुविधा केंद्र में। पेश करते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन की एक रिपोर्ट। पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया इस आधार पर कि लगातार 6 महीने की अवधि के लिए रिटर्न दाखिल नहीं किया गया था। मालिक के कोविड-19 से पीड़ित होने के कारण स्टैट्यूटरी टाइम पीरियड के अंदर पंजीकरण रद्द करने के खिलाफ अपील दायर नहीं की जा सकी या आयोजित विभाग ने अभी के मुद्दे पर पास ऑर्डर्स के अगेंस्ट में दायर नहीं की है। टीवीएल सुगुना कटपीस बनाम अपीलीय उप में दिए गए निर्णय के बाद कमिश्नर एसटी एसजीटी 2022 135 234 91 जीएसटी 77 की मदद से केस के मामले में डिपार्टमेंट को कुछ कंडीशंस के तहत रीस्टोर करने के लिए कहा गया है। कंडीशंस में सेंट्रल जीएसटी एक्ट 2017, तमिलनाडु जीएसटी एक्ट 2017 के धारा 29 के साथ 30 पैरा 4 और 5 और 6 पढ़ा जाए तो ये कंडीशंस रखे गए हैं और इन्हीं कंडीशंस के अधीन रजिस्ट्रेशन को रिवाइव करने के लिए निर्देशित किया गया है। यानी रजिस्ट्रेशन रिवाइव करने के लिए गाइडलाइंस पास की गई हैं। तो अगर आप भी ऐसी अभी रजिस्ट्रेशन के तहत आते हैं तो इन बातों पर ध्यान दीजिए और रिटर्न फाइल दाखिल जरूर कर दीजिए। आज की रिपोर्ट में इतना ही। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लाइक और शेयर कीजिए इस वीडियो को और मेंशन कीजिए अपने डाउट्स या कॉल कीजिए जीएसटी सुविधा केंद्र के टोल फ्री नंबर पर। नमस्कार।